साल, 40 साल, 30 साल, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए शादी के बाद में, अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा तिरुपति में, नकली नहीं, कल हमने कथा में कहा था आप लोगों के स्मरण में, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए, एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगाओ, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए। प्रेम वश भगवान को, अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए, संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देव अधिदे महादेव को घृत का लेपन कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करें, घृत का लेपन करो बाबा को, जल चढ़ाओ, अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृ पक्ष की, पितृ पक्ष के। और मैंने तेरे ही भरोसे